कितनी कद का आठ है आपका? 6'8" ये तो आपने देख ही लिया कितना जोर से जलता है। जी पहले गेंडा एक वार्म अप होता है, उसके बाद फिर परेड में इंटर होते हैं। हमारी वजह से अवाम का जोश होता है और अवाम की वजह से हमारा होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि एक पहाड़ जैसा जवान हमारे साथ मौजूद है। क्यूम इनका नाम है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यूम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। क्यूम भाई माशाल्लाह, पहले बताएं कि कितनी कद का आठ है आपका? 6'8" वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आज आप परेड का हिस्सा थे, ये तो आपने देख ही लिया कितना जोश और जज्बा है। मुझे बताएं कि जो यहाँ पर डेली परेड होती है उसमें कितने जो अहलकरान हैं वो हिस्सा लेते हैं? ये तकरीबन 22 अहलकरान जी। यहाँ पे दिल्ली की बुनियाद पे भी परेड होती हैं, लेकिन जो ये नेशनल डेज होते हैं 23 मार्च या 14 अगस्त, इसमें अवाम का क्या जोश खरोश होता है और अहलकरान का क्या जोश खरोश होता है? अवाम का जोश तो हमारी परेड देख कर ही होता है जी जी, कि उन्हें फ़ख्र होता है पाकिस्तान होने का, कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये जब आप ये मारते हैं सलूट, ये तो धरती ला देते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या कोई एक्सरसाइज होती हैं, वार्म अप होता है, क्या करते हैं आप? जी पहले गेंडा एक वार्म अप होता है, उसके बाद फिर परेड में इंटर होते हैं। और सर जो ये अहलकरान जो यहाँ पे परेड में शामिल होते हैं, ये किस तरह से ट्रेन किए जाते हैं? आप लोग रेंजर से होते हैं, क्या मामला होता है आपका? ये पाकिस्तान पंजाब रेंजर से होते हैं, ठीक है। और फिर उनमें से स्पेशल ये सिलेक्ट होते हैं और फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है जी। अच्छा मैंने देखा है जो उस साइड बॉर्डर के उस पार जो अहलकरान होते हैं उनकी और इधर की परेड होती सेम है, ये क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं सलूट और ये जिस तरह से भी सारा प्रोसीजर चल रहा होता है? जी सेम होती है, प्रैक्टिस होती है उसके बाद ये। और सर आप परेड के अलावा भी यहीं पे आपकी ड्यूटी होती है, यहीं पे मौजूद होते हैं? इधर ही होती है। 23 मार्च के हवाले से अगर आप अवामुन नास को कोई पैगाम देना चाहें? कुछ भी नहीं, बस उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान वाले सब ठीक ठाक होंगे। जब ये अवाम शोर करती है और नारे होते हैं उस टाइम क्या जोश खरोश होता है जब आप लोग आगे? हमारी वजह से अवाम का जोश होता है और अवाम की वजह से हमारा होता है। अच्छा ये लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो आप ये बाजू दिखाते हैं और ये क्या होता है? जोश खरोश होता है? यस। बहुत शुक्रिया कयूम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और कयूम भाई ने कहा था इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैं कैमरा फेस नहीं करता, और कयूम भाई ने हमें बताया 7 फुट इनका कद है और आपने देखा कि बता रहे हैं कि हमारा जोश खरोश आवाम की वजह से होता है और आवाम का जोश खरोश हमारी वजह से होता है। यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे आम दिनों में भी परेड होती है, लेकिन नेशनल डेज़ की तो क्या ही बात है जनाब, यहाँ पे जवान नहीं पकड़े जा रहे होते, आवाम नहीं पकड़ी जा रही होती और इनकी जो सलूटें होती हैं वो धरती भी हिलाती हैं। और यहाँ पर क्या ही खूबसूरत माहौल था, आपने मनाज़िर देखे होंगे, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।